नमस्कार सा, पापा मम्मी रसोई में आप स्वागत है सा। आज पापा मम्मी रसोई मान पे बनावला कड़कंदरी चक्की। कड़कंदरी चक्की अपे उन हिसाबों बनावला जिन हिसाबों कोई अच्छा कंदो ही बनाया करे। एक अच्छा कड़कंदरी तीन खासियत होया करे सा। एक तो वो कड़कंद एकदम मुलायम होना चाहिए, दूजो वो एकदम सफेद होना चाहिए, और तीजो एकदम लगलग होना चाहिए, खावा तो उनमें मुंडे में अच्छी तरह पानी हुए। एक अच्छा कड़कंदरी चक्की बनाने वास्ते कई कई ध्यान रखना पड़े, उन्हें सब टिप्स रो मैं आपने बनावती टाइम में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो आओ अपे कड़कंदरी चक्की बनाने चालू कराओ। कड़कंद बनाने वास्ते सा हरू पहले काम करो रबड़ी बनावना। अच्छी रबड़ी बनाने वास्ते अपने भैंस रो दूध लेना चाहिए। भैंस रो दूध रबड़ी अच्छी बने। भैंस रो दूध ने कड़े में लिया रे, पहली कड़े ने पर घी थोड़ी ग्रीस कर ला। कड़ी ने घी ग्रीस करियो कई हो जो रबड़ी बने लगे कड़े में तो छेटेला नहीं, और कड़े में छेटेला नहीं कहे तो जो रबड़ी बनेला वो सफेद बनेला। अपन आप केड़ो भी कड़ालो लियो, पर कड़ालो लियो के वो थोड़ो छिद्दल होना चाहिए, और जाडा पेंदर कड़ालो लोला तो बहुत ही बढ़िया रहेला, उनमान छेटेला नहीं अपने रबड़ी बनेला वह पीली नहीं पड़ेला, एकदम सफेद जक अपने कड़ाकन बनना चाहिए। जरे अपने कड़ाकन छोको दिखे यो एक किलो भैंस रो दूध है, अब इन माने कड़ाले में ट्रांसफर कर दूँ। और कड़ाले में दूध ले लिया सा, अब गैस चालू कर दें फुल आँच में, जब तक इनमें कड़को नहीं आवे इन थोड़ा कंटिन्यूसली हिलावना पड़ी कुर्सी लगाने। भैंस रे दूध री जी किया रबड़ी बनी के जल्दी भी बन जाए और थोड़ी सफेद बनेला। दूध में कड़को आएगी ऐसा, अब इन टाइम थोड़ा गैस में थोड़ा सा धीरे कर दें के तो कड़को आवते रही न दूध है जी को अच्छी तरह उकलते रही। अब धीरे धीरे इन्हें अपने आप उकलन दो और जो जो उकली जो काटो पड़ते रही न थोड़ी देर रबड़ी बन जाए। करीब 15 मिनट हो और दूध काफ़ी गाढ़ो हो गया है, आज तक और इन्हें अपन गाढ़ो करना है। खाली साइड में जो कोई भी या थरकन भी आवे इन थरकन ने कुचर पर इन दूध रमान मिक्स कर लेनी है। दूध रे मत पी जी की थरकन आवे के वह दूध ने हिला हिला ने उनमें गोल देनी है। अगर आप यूँ कराला तो एकदम गोल रबड़ी बनेला। गोल रबड़ी मतलब उनमें कोई भी तरह लच्छो नहीं दिखेला, और एडी रबड़ी रही कड़ाकन छोको बनेला। रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो रही है सा। दूध है जो एक किलो लियो अब वो करीब 1.5 पाव है जो तो रही गया है। अपन रबड़ी ने जितो बिना शक्कर का आलिए सुखा सका वो तो अच्छा सुखावना चाहिए जैसा। इन वास्ते थोड़ा ज़्यादा काट ही कर रही है यहाँ पर। इन टाइम थोड़ा खुरपने नीचे पेंदे तक रगड़ तो चलावला तो छेटेला नहीं, इन स्टेज में तो छेटन लाग जाए करे, और एक बार रबड़ी छेटन लाग जावे तो पे रंग पीड़ो पड़न लाग जावे। लगभग रबड़ी बन गई ऐसा। अब इन टाइम अब गैस ने बंद कर दें और रबड़ी ने थोड़ी देर साइड में रख दें। अब अपे कड़कन बनाने वास्ते दूध रो छन्नो बनावाला सा। दूध ने फाड़नला और उन्हें छन्नो निकालाला। दूध ने फाड़न वास्ते अपे काऊ मिल्क ही लाला। 1 लीटर काऊ मिल्क लेवा और इन कड़ाले में डाल दें और गैस ने ऑन कर दें। इन्हें भी कड़को आवे जब तक थोड़ी हिला दें। जब तक दूध में कड़ आवे दूध ने फाड़न हिसाब कर लें। दूध फाड़न वास्ते अपन या तो नींबू रस जाई जाए, या सिरको जाई जाए, या नींबू रो सत्रो पानी जाई जाए, या फिटकरी जाई जाए, या अपने को पहली कोई दूध फाड़ियोड़ो और बचियोड़ो पानी वे वो भी चल जावे। अब अरे पे नींबू लेवा तो नींबू रो रस है जो छाण ने लेना पड़ी, इन वास्ते अपे सिरको ही ले लें। 2 बड़ा चम्मच सिरको इनमें ले लें एक पहले में, और इनमें इतो रितो पानी मिक्स कर लें। 2 टेबल स्पून सादो पानी मिक्स कर लें। अब ओ गोल है थोड़ा थोड़ा करने जिन टाइम दूध रो कड़ आई के उन्हें पच्चे गा ला जब तक वो बनान रख लिया। दूध रो छन्नो बनाने वास्ते तो गाय रो दूध भी चल जावे, पर रबड़ी बनाने वास्ते अपने भैंस रो दूध दी जाई जाए। आजकल भैंस रो दूध शहर में मिले नहीं, पर शहर में एक होल मिल्क मिलिया करे जिनमें घी मात्रा ज्यादा वे और प्रोटीन भी ज्यादा रहे, तो वो वाला दूध लेने आप उन रबड़ी बनावला ज्यादा अच्छा रहेला। और फाड़न वास्ते अपे गाय रो दूध है जो इन्हें गर्म कर ले अबारो बॉइल होने वाला है, थोड़ा कंटिन्यूसली हिलावा तो इनमें सरकण नहीं आई। दूध रो कड़को आई गयो है न भाई गैस ने बंद कर दो। गैस ने बंद कर प्रो न दूध ने थोड़ा हिलावता रहो इन्हें भाप निकाल दें। थोड़ा सा ठंडो करना इन्हें फाड़ा ला के तो जो छन्नो बनेला वो एकदम मुलायम छन्नो बनेला। मुलायम छन्नो बनाने वास्ते थोड़ी इन्हें भाप निकालना पचे न फाड़ना चाहिए। अब जो दूध फाड़न वास्ते अपे सिरकारो पानी बनाया हो और थोड़ा थोड़ा करना इनमें नहीं डालो, थोड़ा थोड़ा करना डालो और साथे साथे इन्हें हिलावता रहो। आप देखो दूध अच्छी तरह फाट गया है और जो का दाना पड़ गया है दाना भी एकदम छोटा पड़ गया है, एड़े दाना अपने जाइए। अब इन्हें छणनो हिसाब बताऊँ मैं आपने। छणन वास्ते एक पहलो लिया था, पहले रमाने आज जाली लगा दिए। इन जाली रमाते एक सूती कपड़ो रख दें और इन कपड़ा रमाने अब जो फाटोड़ो दूध है वो डाल दें और इन्हें अब थोड़ो सो नीचे दें, चारों खूना पकड़ न थोड़ा नीचे दें। अच्छा दूध फाटना जरिए वैसा कि जो वो पानी नीचे जो निकलियो है
और एकदम पीड़ो होना चाहिए। और पीड़ो पानी निकले ना मतलब दूध अच्छी तरह फाट गया है। अगर दूध अच्छी तरह नहीं फाटे तो सफेद पानी निकला लाइन में। अब इन पानी ने आप एक बॉटल में डालने रखो तो करी दूजी बार भी आपने करी छन्नो बनावनो हुए तो वो पानी अपने दूजी बार छन्नो बनाने काम आ जावे। दूजी बार जिन टाइम छन्नो बनावा उन दूध पे उबाला के उबाले यार पचे उन दूध रे माने वो पानी डाल दो तो वो दूध पूरा फाट जाए पचो। तो इन पानी ने बॉटल में निकालने रख दे वहां। और अब इन्हें छन्ने ने साफ धोना पड़ेगा क्योंकि इन माने जो आप सिरको गा लिया सिरकरी बास भी है खट्टाई भी है तो इन्हें साफ पानी धोना पड़ेगा। इन धोण वास्ते पे पाछो एक पहलो लिया और पहले मान जाली रख दा जाली माते छन्नो रख पड़ो ना भी इन्हें छन्नर माने सादो पानी डालना सा सादा पानी उन्हें इन्हें अच्छी तरह धोलना। और अब इन्हें इन्हें पानी ने पूरा नितार दा। और इन्हें पानी ने फेंका दा सा पहली वाला पानी फेंका दिया सा अब वो पाछो छन्नो इनमें रख पड़ो न एक पानी में और धोला इन्हें एक बार पानी और डालने ने साफ धोला। और अबे इन्हें लास्ट बार में अच्छी तरह निचोदा। अब इनमान पानी रे अंश ज़्यादा नहीं रहना चाहिए इन्हें एकदम अच्छी तरह निचोदा सा जोड़ लगाने इनमान पानी रकस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अबे साफ निचो दिया अबे अबे इन्हों कड़ाकन बनावना चालू करा सा पाछो। अबे रबड़ी ने पाछी गर्म करा सा और इनमान और छन्नो छणियोड़ो है दोयोड़ो छन्नो और इनमान ने डाल दा। एक चीज़ ध्यान रखो सा इनमान कोई भी तरह छन्नर माने घाटा नहीं रहने चाहिए। छन्नो हालांकि अब फाड़ जाए एकदम बिल्कुल छोटा छोटा दाना निकलिया। अब इन छन्ना ने एक बार इन हाथ मिक्स कर ला इन्हें घाटा बिल्कुल भी केर दा और रबड़ी रसा मिक्स कर ला इन्हें आप देख सको इन्हें ठंडे ठंडे में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब गैस ना ऑन कर दा मीडियम और स्लो रे बीच में गर्म कर रही है इन्हें। अब आप देखो रबड़ी काफ़ी काटी होगी पड़ी पड़ी और छन्ना रो पानी भी एकदम साफ निकाल दिया हो तो छन्ना भी एकदम सूखो सूखो ही जाए। आप देख सको था इनमें रबड़ी और छन्नो एकदम अच्छी तरह मिक्स हो दानादार बन गया है। और जो जो काटो पड़े के जो जो कड़ाकन कड़ा लो छोड़ने की कोशिश करे है थोड़ा इन और सुकोना पड़ेगा क्योंकि अपन चक्की जमावनी है। अगर कड़ाकन ने आपने यूँ फटके में गालने शुरू करना हुआ जब तो इन टाइप कड़ाकन में शक्कर गालने आप शुरू कर सको। पर नॉर्मली कही है कड़ाकन की चक्की जमाने पर चाहे शुरू करिया करे तो चक्की जमाने वास्ते इन्हें थोड़ा सुकोना पड़ेगा। इन टाइम थोड़ा भी अब हिलावा नहीं तो पेंदे में छेंट जावे जी तो सूख सके तो सुको पर अपचे सिर्फ शक्कर मिक्स कर दे वहाँ शक्कर मिक्स हो यार पचे ज़्यादा सुकोनी कोशिश करा के तो ओ कड़ाकन पीड़ो पड़ जा। अब आप देखो अच्छी तरह सूख गया है। अब इन स्टेज रमान इनमें आधो कप शक्कर गाल दें शक्कर आप टेस्ट से अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सको। शक्कर गालियों एक बार वो कड़ाकन पाछो गिल्लो पड़ेगा शक्कर पानी छोड़े इन कारणों थोड़ा गिल्लो पड़ेगा इन्हें पाछो सुकोना पड़े अपन थोड़ा सौ। आप देखो आँच है जिकी अपने मीडियम और स्लो रे बीच में रखी हाँ धीरे धीरे आँच में करी जाए तो इनमें छेटे नहीं और सफ़ेद जक अपने कड़ाकन बने। जब तक कड़ाकन काटो वे कड़ाकन ने जमाओ नहीं अपे इंतजाम करा एक काच रो पहले लिया इन काच रे पहले रे माल रे साइड सरफेस से माते घी लगा दा इन्हें गेहूँ चौपड़ दा तो जिन टाइम अपन इनमान कड़ाकन जमावा तो कड़ाकन इनमान चिपकेला नहीं वो बनाने तैयार कर लिया और कड़ाकन जिन टाइम जमन स्टेज हो इनमें पास ट्रांसफर कर दे वहाँ होलमेल डूगरी रबड़ी बनाई उन कारणों इनमान थोड़ा थोड़ा घी छूटन लग गया है। आप देख सको अगर वही पे गाय रो दूध बनावाला तो इन ढंगों घी नहीं छूटेला। अब इन स्टेज रमान है आधा चम्मच इनमान है पीसोड़ी हरी इलायची डाल दा दो टेबल स्पून इनमान है कठोड़ी बादाम डाल दा दो बड़ा चमचे बादाम डाल दिया और आधा छोटा चमचो इलायची हरी इलायची और पाउडर डाल दिया। नीचे पेंदे में थोड़ी कुर्ची लगड़ दें लावला जरे और छेटेला नहीं इन टाइम जो आप री ग्रीसिंग करियोड़ो डालो लियो के उन इफेक्ट अब आयो देखो आप अब इन टाइम छेटन नहीं दे डाल में आप देखो कटे भी छेटियो नहीं है। आप देखो कड़ाकंद एकदम कड़ालो छोड़ दियो है और हिलाओ तो नीचे बिल्कुल भी कड़ालो चिपके नहीं आओ इन मतलब अबे वो सूख गया है एडो सूख गया कि इन्हें सीधो जमा सका गैस न बंद कर दें इन्हें अबे पहले मैं गाल दें जिन पहले मैं आप घीरो चौपड़ियो हो उन पहले मैं ट्रांसफर कर दें इन्हें इन्हें अच्छी तरह यूनिफॉर्मली फैला दें सब जगह और जितनी जाडी चक्की राखनी हुए भी तो जाडो बना दें इन्हें। अब इन टाइप की कोई बाटकी ले ला और इन बाटकी ने थोड़ा पे घी लगा पर साइड में और अब इन थोड़ा हल्का हाथों दबा दें कड़ाकन अच्छी तरह इन्हें पहले रमान जमा दिया सा। अब इनमें दो टेबल स्पून कठियोड़ा पिस्ता इनमें बुरका दें सा ऊपर ऊपर पिस्ता लगा दें और इन्हें भी हल्का हाथों दबा दें तो पिस्ता इनमान फिट हो जाएगी।
और इन ऊपर है के थोड़ी केसर भी लगा दा, एक चिमटी केसर है इन माता फिर का दा देखो इन सो अच्छो हो जाए। केसर ने पिस्ता अगर आपने लगाना वे तो लगाओ, नहीं तो इन्हें बिना भी चल जाओ कोई फर्क नहीं पड़े। अब इन्हें ढक दे प्रो न फ्रिज में करीब आधा घंटो एक घंटा वास्ते रख दे वहाँ सा। फ्रिज में रखने करीब आधा घंटो हो गया सा, चक्की बहुत अच्छी जम गई है। अब इन्हें चक्कू चेयर का लगा दा और पचे चक्की काट लें। आप कोई भी साइज रहो चक्की काट सको, चक्की अच्छी जमी है सा, एकदम सफ़ेद है सा, काफ़ी मुलायम है। मैं आपने तोड़ने दिखाऊं, देखो मानो कितनी सॉफ्ट है। कड़ाकंदी चक्की बहुत अच्छी बनी है। आप भी ना आपरे घर में बनाओ और आपरे घर में कड़ाकंदी चक्की कैडी बनी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने बताओ। तो मिलो सा अड़े कोई दूजा वीडियो रमान है। जब तक राम राम सा।